पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का सेकंड पेपर जो था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हमने डिस्कस किया था, ये है फर्स्ट पेपर सेमेस्टर वन का फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। टोटल मार्क्स 50 है, एक्सटर्नल 40 है और इंटरनल प्रैक्टिकल 10 मार्क्स है। 80-20 की रेशियो है, 8-2 की कह सकते हैं। टोटल 40 मार्क्स पर फोकस करना है इस वीडियो में हमने, तो 40 मार्क्स देखने में कम है लेकिन आपको उतना लेंथी को पेपर ही मिलेगा जितना कि 100 मार्क्स का मिलता था या 80 मार्क्स का मिलता है या इससे डबल होगा, क्योंकि सिर्फ मार्क्स कम है, लेंथ वही है और 3 घंटे का पेपर है। ऑब्जेक्टिव इसके हैं टू हैव द इंसाइट इन टू कंसेप्ट टाइप्स एंड रोल ऑफ एजुकेशन। बेसिकली फिलोसफी एंड एजुकेशन दो आस्पेक्ट के इर्द गिर्द सारा क्वेश्चन जो है ये आपके चलेंगे, हमें उस पर उसके उत्तर ढूंढने हैं जहाँ हमने डिस्कस करने हैं। टू कैर द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी मीन फिलोसफी। आइडियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, स्कूल ऑफ फिलोसफी है, नेचुरलिज्म है स्कूल ऑफ फिलोसफी एंड प्रैग्मेटिज्म। ओके, एक एक वर्ड में इसको समझना है तो इसका सेंट्रल आइडिया होगा आइडियाज, नेचुरलिज्म का सेंट्रल आइडिया होगा नेचर, ओके, और प्रैग्मेटिज्म का सेंट्रल आइडिया होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जहाँ होगा एक्शन। ओके, तो 3-3, 4-4, 6-6 शब्द ऐसे हैं हर इज्म के जिससे हम टोटल फिलॉसफी समझ लेंगे, लेकिन हमने एग्जाम में कैसे उत्तर देना है ऐसे समझने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। टू स्टडी द फिलोसॉफिकल व्यूज ऑफ जॉन डीवी, जो टेट में ये पेपर क्यों इंपॉर्टेंट, एक वीडियो में मैंने ये कह दिया था कि फिलॉसफी का टीईटी के साथ कम या नहीं संबंध है, लेकिन जब डीवी की बात आएगी तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो टीईटी में है 100% वही होगा। तो यहाँ डीवी अकेले ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ा रहे हैं और ये जो एजुकेशन का कंसेप्ट है इस पर भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। हाँ, रूसो पर टीईटी पर नहीं पूछा जाता, टैगोर, गांधी पर कभी कोई क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट है टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट सोर्स फेसेट्स रोल ऑफ टीचर इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉलेज कंस्ट्रक्शन सारा टीईटी में है। टू हैव द इंसाइट इन टू एजुकेशन एंड वैल्यूज, है ना, तो ये पैडागोजी में आएगा, वैल्यूज कैसे इनकलकेट करनी है, तो रियल ये ऑब्जेक्टिव्स है सिर्फ जो हम कभी नहीं पढ़ते। कोर्स कंटेंट क्या है, यूनिट फर्स्ट है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, इट मीन्स सारा ये यूनिट एजुकेशन के इर्द गिर्द घूमेगा। फर्स्ट है एजुकेशन, उसका मीनिंग एटिमोलॉजिकल मीनिंग आ जाएगा, लेकिन जो बड़ा क्वेश्चन 8 मार्क्स वाला है तो वो पूछेंगे डिस्कस द मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड डिस्कस द इंडियन कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, ये क्वेश्चन बनता है सीधा। दूसरा आ जाता है कि डिस्कस द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, इसमें हमने क्या करना है कि इंडियन थिंकर जैसे महात्मा गांधी है, टैगोर है, दयानंद है, विवेकानंद, इनकी सभी की डेफिनेशन को एनालाइज करना है और वो एजुकेशन के डेफिनेशन अबाउट एजुकेशन वो क्या कहते हैं, तो वही इसका उत्तर होगा, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी जो एग्जाम में लिख सके या एग्जाम्पल वो साथ साथ में अभी करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है जो दी 8 मार्क्स के हैं, टाइप ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर टीईटी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ये दोनों टीईटी, ये भी टीईटी, पर्टिकुलरली जब आप मीनिंग करते हो एजुकेशन का वो टीईटी में पूछा जाता है। अच्छा, इंडियन कंसेप्ट में डेफिनेशन जैसे विवेकानंद जी की डेफिनेशन कई बार पूछी गई है, तो टाइप ऑफ एजुकेशन में फॉर्मल में इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल और इनमें डिफरेंस, ऐसे भी नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड फॉर्मल और इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, ऐसे डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं, ये हमारे बड़े क्वेश्चन बनते हैं। तो ये टेबल बना के जहाँ एग्जाम्पल के साथ जितना बड़ा हो सकता है लर्न कैसे पॉइंट करने हैं सभी साथ साथ में करेंगे। तो फॉर्मल कुछ नहीं है, फॉर्मल आपने यहाँ करना है तो अभी से तो स्कूल को याद रखना है, स्कूल इज ए फॉर्मल, यूनिवर्सिटी कॉलेज है ना, यहाँ पर करिकुलम है, टाइम है, प्लेस है, कहाँ लर्निंग होनी है, तो जहाँ पर कोई टाइम प्लेस कहीं भी आप बाय चांस सीख लेते हो तो सारी ज़िंदगी वो इनफॉर्मल है। नॉन फॉर्मल इन दोनों का मिक्सचर होता है, वो मिडवे आ जाता है, ये हम लर्न करेंगे। नेक्स्ट है रोल एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन इंडिविजुअल एंड नेशनल लाइफ,
तो मैक्सिमम कभी इकट्ठा क्वेश्चन भी आ जाता है, क्योंकि रोल एंड फंक्शन का बात वही है। इन इंडिविजुअल लाइफ पूछ सकते हैं एंड नेशनल लाइफ अलग पूछ सकते हैं, इकट्ठा भी पूछ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन पहले में बनते हैं। नेक्स्ट यूनिट है एजुकेशनल फिलॉसफी। तो पहला एजुकेशन पर था, अब एजुकेशनल फिलॉसफी है। नेचुरली इसमें फिलॉसफीज एंड फिलॉसफर्स पढ़ेंगे, एजुकेशनल फिलॉसफी का मीनिंग है ना पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग है। रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी, क्या आइडियाज जो हैं और एजुकेशन है, सिंपल बात है। आइडियाज सभी जो भी किसी का भी जन्म होना है ना इस सब्जेक्ट का, डिसिप्लिन का, है ना, आपके सभी सब्जेक्ट की जो मम्मी है वो फिलॉसफी है, आइडियाज़, क्योंकि वो देती है, तो वो आइडियाज़ को आगे फैलाने का काम एजुकेशन करती है। चलो ये सिस्टमेटिकली डायग्राम बना के समझेंगे। फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन, आइडियलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरलिज्म एंड इम्पॉर्टेंट, आपकी ज़िंदगी के जो आंसर भी इनमें मिलेंगे, क्योंकि ज़िंदगी से ही रिलेटेड होती है। एजुकेशनल फिलॉसफीज कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन डेवी, है ना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल स्कूल जो था वो खोला, और कितनी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, सोशल कंस्ट्रक्शन, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये जॉन डेवी थे, है ना। रूसो ने नेचुरलिज्म, ये नेचुरलिज्म और रूसो, है ना, इन्होंने बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी बातें की, लेकिन फीमेल के बारे में, क्योंकि इनकी वाइफ के साथ कैसे परसेप्शन जो थी उसके बेस पर फीमेल के बारे में थोड़े से नेगेटिव, नैरो कह सकते हैं, नेगेटिव भी कह सकते हैं, बाकी ये हाँ बच्चे के बारे में, एजुकेशन के बारे में इन्होंने, इनकी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है। इंडियन हैं थिंकर्स हमारे पास टैगोर और गांधी, है ना, तो बेस्ट डेफिनेशन भी जब आता है आपको क्वेश्चन, बेस्ट डेफिनेशन तो महात्मा गांधी की डेफिनेशन को एनालाइज करना होता है, ये डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे साथ में। टैगोर इंटीग्रेटेड फिलॉसफी थी, सभी कुछ इसमें शामिल हो जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इनको मॉडर्न वेदांतिस्ट भी कहते हैं। फेसेट्स ऑफ नॉलेज, है ना, नॉलेज के एस्पेक्ट क्या हैं, नॉलेज कंसेप्ट क्या है, वाओ वेरी गुड, नेचर क्या है नॉलेज की, सोर्सेज क्या हैं, सोर्सेज क्या, नॉलेज ब्रेन से, रीजनिंग से, सेंसेस से, इंट्यूशन से, कहाँ से पैदा होती है, तो बड़े अच्छे अच्छे हैं। अगर आपका आप कॉस्मिक एनर्जी से जुड़े हुए हो तो आप, हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस, है ना, तो सिक्स्थ सेंस मतलब सेंसरी इन्फॉर्मेशन के बिना ही आपको कोई ज्ञान, कोई घटना होने वाली है पता चल जाता है, जहाँ दिखाई देता है अगर ऐसा कुछ होता है, तो ऐसी बातें इसमें की जाएंगी, लेकिन ज़्यादा साइंटिफिक फोकस ही रहेगा। फेसेट्स ऑफ नॉलेज, लोकल एंड यूनिवर्स, यूनिवर्सल, ओके, ये क्वेश्चन बनता है। इनके भी जो है अलग, एक क्वेश्चन बड़ा ये बनता है, सोर्स ऑफ नॉलेज ये बनता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, कंटेक्चुअल एंड टेक्स्चुअल, वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेक्चुअल कंस्ट्रक्टिविज्म आ जाएगा ना, स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल एंड दियर रिलेशनशिप, वेरी गुड, ये इंटरेस्टिंग है। रोल ऑफ टीचर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, TET, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज वर्ल्ड में। अगर आपने नॉलेज के बारे में कोई बात करनी है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के बिना, क्योंकि जो भी वर्ल्ड में बेस्ट एजुकेशन सिस्टम लेके बैठा है कंट्री, वो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज करा रहा है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ये टेक्स्टुअल, हम टेक्स्ट पर, बुक पर, टीचर पर, करिकुलम पर जोर देते हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस पर, लर्नर पर, लर्नर्स की फीलिंग्स पर, लर्निंग के रिफ्लेक्शन पर, कम्युनिटी पर, इस पर जोर देते हैं, इंटरेक्शन पर जोर देते हैं। नेक्स्ट है वैल्यूज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, अगर थ्योरी में बात करनी है तो कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी, वैल्यूज़ कंसेप्ट क्या है, क्या वैल्यूज़, है ना, मैंने एक लाइन में इसका निचोड़ एक निकाला है, बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, बड़ी ये जंजाल सा है, कोई बात नहीं, ईजी है, लर्न हो जाएगा। सोर्स ऑफ वैल्यूज़ क्या, कहाँ से पैदा होती है, क्या धर्म पैदा करता है, क्या फैमिली पैदा करती है, क्या ह्यूमन बींग खुद पैदा करता है, आप कोई वैल्यू जनरेट करते हो कि ये वैल्यू है। कोलबर्ग की जो फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेज है उसमें आप खुद जनरेट करने लगते हो, है ना, सोसाइटी सोर्स ऑफ वैल्यू है, फिलॉसफी सोर्स ऑफ वैल्यू है, है ना, कौन है, इरोजन, बेड़ा गर्क हो रहा है, ख़त्म हो रही है, वैल्यू डाउन जा रही है, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं,
हमें एक दूसरे को डाउन कर रहे हैं, अप जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, तो इरोजन क्यों हुआ? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये त्रासदी है, इस पर क्वेश्चन आएंगे। वैल्यू एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन फॉर इनकल्केशन, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल, है ना, सारा रोल उसी का है। तो रोल ऑफ एजुकेशन होगा तो उसमें टीचर तक का रोल से बिना कैसे हो सकता है? तो टीचर कौन हो आप बनने जा रहे हो? तो आपने खुद अपने को वैल्यूज वाला बनाना है, खुद एनालाइज करो कोई बेस्ट 3 वैल्यूज आप में कौन सी। आज आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, हाँ इंटरव्यू में अगर पूछ लिया मेरे से, मैं इंटरव्यू में बैठा हूँगा तो यही क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा सेशनल वर्क है इंटरनल, एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, लाइफ स्केच ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, वेरी गुड। वैल्यू सिस्टम इन ऑफ एनी रिलीजन, गुड। प्रिपेयरिंग स्क्रैप बुक, आपको अपना धर्म नहीं चूज करना चाहिए, ये बात याद रखना। अगर आप अच्छे हो ना, आप अपने धर्म में तो जानते हो सुनते हो, दूसरे के धर्म के वैल्यू जब देखोगे तो आपका प्यार रिस्पेक्ट बढ़ेगी। जब प्यार दूसरे के लिए बढ़ेगा, दूसरे धर्म के लिए रिलीजन के लिए, तो आपकी एनर्जी ऊपर उठेगी, फिर आप ह्यूमन बीइंग की तरफ बढ़ रहे हो। प्रिपेयरिंग स्क्रैप बुक 10 इंडियन एंड 10 वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर एंड ब्रीफ नोट अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन, वाह भाई पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ नंबर लेगी भाई, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बाकी भी देखते हैं, तो बुक्स हैं ये सारा हम वैसे कर लेंगे। तो इसमें जो टॉप ब्रूबेकर, ये जो बुक आप कभी नहीं पढ़ोगे वो बता रहा हूँ, लेकिन बेस्ट हैं, है ना। चौबे हैं, डेवी नहीं पढ़ोगे, ये भी नहीं पढ़ोगे इसमें से, हॉवर्ड, ओके। नेक्स्ट है कि इसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाने हैं, तो ये आपका क्वेश्चन है पिछले साल का, सेम 1 का क्या लिखा होगा, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, ऑल मीडियम, आप पूछ रहे थे ना कि हिंदी में होगा इंग्लिश में पंजाबी नहीं होगा, अभी दिखा देता हूँ। सेम फॉर USOL, मेरे ख्याल कैंडिडेट्स ऑफ फर्स्ट सेम। नेक्स्ट आ गया, टोटल 5 यूनिट्स हैं, है ना, जैसे पीछे बात करके आए थे, ये रहा यूनिट, हो गया ये, हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। इसमें से 2 क्वेश्चन आए, 1 आपने करना है, 2 आए 1 करना है, 2 आए 1 करना है, 2 आए 1 करना है, तो ये हो गए 8-8 मार्क्स के, 8-8 मार्क्स के सारे हो गए। और उसके बाद में सारे 4 यूनिट में से 2-2 मार्क्स के आएंगे 4 क्वेश्चन, तो जो बन जाएगा 8 मार्क्स, तो ये हो गए टोटल, यहाँ लिख देता हूँ 40 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, 3 घंटे में आपने करना है, वो एग्जांपल ये है। तो टोटल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट, जो 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ यूनिट फ्रॉम 1st to 4th एंड यूनिट 5th इज कंपल्सरी। फर्स्ट है डिफाइन एजुकेशन एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम इंडियन परस्पेक्टिव, सिंपल वही डेफिनेशन जानी है। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन एंड स्पेसिफाई द रोल ऑफ फंक्शन ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल लाइफ, सारी स्टेटमेंट डाल दी, सब कुछ डाल दिया, ओके। एलिसिडेट, सेकेंड यूनिट है, एलिसिडेट द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी एंड also highlight the relationship between education and philosophy, okay? वैसे ही आ गया, कोई difficult नहीं है। critically examine the educational views of महात्मा गांधी and also analyze the influence on education, good। third है explain the concept of knowledge and also specify the role of teacher in construction of knowledge, ये मेरी जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की बुक है ना उसमें लिखा पड़ा है, हम पूरा शेयर कर लेंगे। एनुमरेट वेरियस फेसेट्स ऑफ नॉलेज एंड आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, तो 2 है उनमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है, ये नॉर्मल है। इसके अलावा ये थोड़ा बिंगा हो गया है, इसको कर लो सीधा, अब तो नहीं है। ये है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन एंड स्पेसिफाई द रोल ऑफ टीचर इन इम्पार्टिंग वैल्यूज ओरिएंटेड एजुकेशन, तो कुछ नहीं है, जो सिलेबस में लिखा है वही उठा के उसके आगे डिस्कस शब्द लिख दिया, वेरी इजी। एंड लिस्ट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वैल्यू एंड आल्सो हाइलाइट्स द कॉजेज ऑफ एरोजन ऑफ वैल्यू इन प्रेजेंट सोसाइटीज, वो गप्पे ही आनी है सारी, लेकिन उसको कैसे लर्न करना है, मार्क्स कैसे गेन करने हैं, कम पढ़ के ऐसी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि आप एक बार पहले पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसको कैसे आपने 3-4-5 मिनट में यहाँ रख लेना है कि एग्ज़ाम में ऐसे बाहर आ जाएं पूरी सिस्टमेटिकली।
नोट्स लिखने हैं किस पर, रोल ऑफ एजुकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल आ गया, दूसरा है जॉन डीवी कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, सोर्सेज ऑफ नॉलेज, कंसेप्ट ऑफ वैल्यू, ये है। तो हिंदी वाला भी यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट हैं हम ये हिंदी के देख सकते हैं आप, हिंदी मीडियम में आता है पेपर, हिंदी मीडियम वालों ने घबराना नहीं है, लेकिन आपको खुद ये पढ़ लेना चाहिए मेरे ख्याल में, है ना। पंजाबी वालों की भी गल कर लिए, सिक्ख्या नूं परिभाषित करो तो भारतीय दृष्टिकोण की सिक्ख्या का संकल्प भी व्याख्या करो, रस्मी ते गैर रस्मी सिक्ख्या विच अंतर करो, राष्ट्रीय जीवन विच सिक्ख्या की भूमिका ते कार्य निर्धारित करो। सो ये पंजाबी में सारा खुद आप पॉज करके देख लेना, मैं पढ़ूंगा नहीं, यहाँ वीडियो को एंड करते हैं अभी, साथ साथ में हम शुरू कर देंगे के टॉपिक शुरू कर देंगे। टॉपिक जो तीनों नहीं कई इंडियन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, है ना, जैसे मीनिंग ऑफ एजुकेशन, फिलॉसफी, ऐसे हैं फंडामेंटल क्वेश्चन हैं, तो वहाँ से अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें तीन वीडियो होंगी, एक वीडियो में डिस्कस करूँगा पूरा क्वेश्चन क्या है, उसको समझना है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी, दूसरे में उसको लर्न कैसे करना है, वो 3-4-5 मिनट की वीडियो होगी, है ना। तो अगर उस पर ऑब्जेक्टिव टाइप या TET के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं वो भी साथ में तीसरा वीडियो हो सकता है, तो आप उसी वीडियो में क्वेश्चन पूछिए उसके रिगार्डिंगली, कभी क्वेश्चन पूछना अपनी यूनिवर्सिटी ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।